हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेक्निकल मैथ के। तो आप सभी को यहाँ पे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं आप सभी को बता दूँ कि आपके अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ का भी काफ़ी पोर्शन लगभग हर एक एग्जाम में आने लगा है, चाहे उसमें एडवांस मैथ आता हो या ना आता हो, फिर भी बेसिक लेवल के दो चार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें उसकी भी प्रिपरेशन रखनी चाहिए ताकि हमारे एक दो नंबर या दो चार नंबर जितने क्वेश्चन आए वो वेस्ट ना जाएं। तो चलिए, ऐसा प्रश्न हमने यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है, और अगर देखेंगे आप कम से कम एग्जाम में 10 से 20 बार ऐसा हुआ आपको मिलेगा कि 10 से 20 बार ऐसा पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी को इसे कंप्लीट कराने वाला हूँ, और आप सभी को एकदम इसका जो डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू वॉट। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि अगर इसकी वैल्यू 3 दी हुई है तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए, इसका एक सिंपल तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला है क्या। तो रूट में के स्क्वायर माइनस 4, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से इसे कर दोगे। के स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है। तो देखिए, ये वाली जो संख्या दी हुई है इसे हम k के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है 3। अब आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अब यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसका फॉर्मूला ये होगा, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रूट में के स्क्वायर माइनस 4, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हुआ है 4। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3, देन x माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू अंडर रूट 5 आंसर। अब समझ गए होंगे आप कि कितना इजी है इसकी वैल्यू निकालना। और ऐसे क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं बहुत ही आसानी से 2 से 4 नंबर लगभग हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी वो आपसे x की वैल्यू पूछ लेगा या प्लस माइनस के साइन चेंज कर देगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको ट्रिक है और ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं एकदम बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, और छोटे एग्जाम कितने भी हो आपके, जो भी आपके जीडी या एसआई तक के जो एग्जाम होते हैं लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे ट्राई करेंगे, और अगला आप सभी को आंसर फटाफट से निकालना है कि उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँगा, ओनली यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया मैंने 4। अब आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से देखिए इसे क्या है, जब मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप इसका आंसर दे सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि इसे निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, की वैल्यू उसमें पुटअप कर देनी है, की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से आपको माइनस कर देना है 4, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 4 है। तो 4 कर देंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा, आप उसे बाहर निकालेंगे तो 2√3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, तो एक सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया था कि स्क्वायर माइनस 4 रूट में, ये इसका फॉर्मूला है। सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 4, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू रूट में, पूरा मैं लिख के चल रहा हूँ, के स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 4, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 4, याद रखना के की वैल्यू कितनी है 4 है के की वैल्यू। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 4, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 12, 12 को अगर बाहर निकाल के लिखना चाहें तो 2√3 आंसर हो जाएगा।
कितना आसान है। देखिए सिंपल सा आपको बस इतना इंप्लीमेंट करना है, के की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने देखा के की वैल्यू 4 दी हुई है। इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 4, तो के स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आपको कर लेना है, तो 16 हो गया, 16 में से आप 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 12, अगर उसे बाहर निकाल देंगे तो 2√3। बस बहुत ही आसानी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको कन्फ्यूजन 1% भी ना रहे। तो फटाफट से मैं समझता हूँ कि संख्या लिखने से पहले ही आंसर दे देंगे कुछ लोग। तो देखिए अभी मैंने आप सभी के सामने लिख दिया आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, √21 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या था सभी बताइए, के स्क्वायर माइनस 4। रिपीट करना, रिपीट करोगे, रिपीट से ही चीज़ें रटती हैं यहाँ पे, और रटने के साथ साथ आपको हमेशा याद रहेंगी। एक बार जब आप रिपीट कर लोगे बार बार के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4 तो याद हो जाएगा बार बार, मैं इसीलिए आप सभी को लिख रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, देन x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, k की वैल्यू क्या है 5, k इक्वल टू 5। आगे देख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, देन x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू k की वैल्यू कितनी बताई थी 5 है, k की वैल्यू आपकी 25 माइनस 4, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √21 आंसर। तो बताइए कि मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे क्वेश्चन अब सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी 1% भी। अब चलिए इसमें हम यहाँ पे एक चीज़ चेंज करने वाले हैं जिससे कि आपको जो भी डाउट थे वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल सा चेंज यहाँ पे मैं करूँगा और देखते हैं कि कौन कौन दिमाग लगा पाता है, कौन कौन इसके लिए दिमाग नहीं लगा पाता है। मैंने इसे चेंज किया, इसकी वैल्यू 3 रखी, प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है, बस इतना चेंज किया, बाकी का कोई भी चेंज नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब चलिए इसका भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होगा रूट में के स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका फॉर्मूला था के स्क्वायर माइनस 4, अब इसका फॉर्मूला है के स्क्वायर प्लस 4। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है स्टार्टिंग का जो आपको वैल्यू जिसकी दी हुई है, जिसकी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में समझना, अगर इसे स्टार्टिंग में दे दे इसे इधर दे दे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसकी वैल्यू दी हुई है या जिसकी वैल्यू दी हुई है अगर वो माइनस पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला प्लस का यूज करोगे, अगर वो प्लस का पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला माइनस का यूज करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस का साइन है जिसकी वैल्यू दी हुई है और जिसकी पूछ रहा है वो प्लस में है, तो अभी हमें क्या करना है, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जिसकी वैल्यू पूछ रहा है अगर वो प्लस में है तो आपको प्लस यूज करना है। दोनों तरीके से, जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से आपको यहाँ पे सोच लेना है। तो अभी यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस का यूज होगा, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं, कि कोई भी दे देगा √13 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, मैं आप सभी को पूरा लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए ये चीज़ें। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, क्योंकि k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू है 3, 9 प्लस 4 तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 13 आंसर। कितना इजी है, अब ऐसा समझिए अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो 3 से 4 नंबर आपकी आंख बंद करके लगा दोगे, अर्थमैटिक से भी इजी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1-2 बार पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को रिपीट एंड रिपीट ये क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए कुछ नया एक और यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा मजा आ जाए, तो चलिए वो देख लेते हैं। साइन अपने यहाँ पे दिया हुआ प्लस मान के चलिए, और यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी जाती है एक्स की। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप समझिए कि एक्स की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट से बताइए। तो देखिए आप सिंपल सी बात समझना, जब प्लस का साइन दिया हुआ है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस का अगर आप यूज़ करेंगे और जब एक्स माइनस मैं आपसे पूछता एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो, तो सभी फटाफट से निकाल के दे देते √5,
निकाल के दे देते कि नहीं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता वो होता के स्क्वायर माइनस फोर, तो 3 की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, तो कितना हो जाता 9 माइनस 4, तो रूट में 5 इसका आंसर आ जाता, सिंपल है। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 5। अब हमें सिंपल करना क्या है, हम मान के चलेते हैं x प्लस 1 अपॉन x इजिकल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, जो वैल्यू मैंने रूट 5 निकाली थी आप सभी को इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो x माइनस 1 अपॉन x इजिकल टू कितना हो जाएगा, रूट 5। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमारी बन गई, दूसरा समीकरण, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब होगा क्या, इससे ये कट गया, वैल्यू कितनी बची, 2x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, तो ये अपना यहाँ पे निकल के आ गया। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आंसर। अब यहाँ पे आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि इसकी जो दूसरी साइड थी x माइनस 1 अपॉन x हमने निकाला, जब प्लस का साइन उसने दिया हुआ है तो माइनस का यूज करेंगे, k की वैल्यू उसने पहले से दी हुई है, k की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9, 9 का स्क्वायर होता 9 हो गया, उसमें से माइनस कितना होगा, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 4 होता है रूट में, तो 4 माइनस होता तो रूट का कितना आ जाता 5, जो कि हमने 5 यहाँ पे लिया है, ठीक है। 1 अपॉन x से 1 अपॉन x कट गया, प्लस माइनस के दोनों साइन दोनों यहाँ पे ऐड हो गए, 2x हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस रूट के 5। यहाँ पे अगर इसे निकालेंगे तो बस हमने इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से बस आपको यहाँ पे निकालना होता है, बाकी का इसका कुछ नहीं होता। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, दूसरी साइड से यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जितने बार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आपका एकदम कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं समझ लेता हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन x इक्वल टू 5 दिया हुआ है आप सभी को, और वो आपसे अब x की वैल्यू पूछ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए, सभी लोग फटाफट से बताओ। अब देखो समझ के चलना, मैंने आप सभी को पहले बताया था, अगर यहाँ पे आपसे पूछता x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करते, k की वैल्यू 5 ले लेते, k इक्वल टू 5, फॉर्मूला क्या लगाते, माइनस का दिया हुआ है तो प्लस का फॉर्मूला लगता k स्क्वायर प्लस 4। अब k की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 29, इतना निकल के आता, तो सिंपल सी बात है। तो दूसरा इक्वेशन बनाने की अब हमें टेंशन नहीं रहेगी, तो ये आपको ओरली याद हो जानी चाहिए चीज़ें, आपको मतलब बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में ये चीज़ें एकदम क्रैम हो जानी चाहिए। तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 29 समीकरण दूसरा, 1 अपॉन x से 1 अपॉन x खत्म, 2x इक्वल टू 5 प्लस रूट 29। अभी आप पे लिख लो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस रूट 29 अपॉन 2 आंसर, सिंपल। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, इतना आसान होता है। आप समझ सकते हैं कि आज मैंने आपको बेसिक से एकदम यहाँ पे बताया है। बहुत सारे लोगों को देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक ही बार में आपको ज्ञानी तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बेसिकली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल से लेके एसआई तक के किसी भी एग्जाम की, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आंख बंद करके लगा पाओगे, इस तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप सभी को बता दूंगा। देखिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी सभी रिक्वेस्ट को मानेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप पढ़ना चाहें उनसे आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऊपर आप सभी को स्क्रीन पे हमारा एक कूपन कोड दिख रहा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से, आप उसे यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उसका मिल जाए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है, इसे याद रखें, स्पेस नहीं देना है, स्टडी फॉर ड्रीम्स आपको एक ही बार में लिख देना है। तो जब भी आप कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह अगर परचेज करेंगे तो आपको इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अब तक अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से कर लो, डेली हमारी क्लासेज आएंगी। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लासेज आने वाली है वो 10:30 बजे
AM 10:30 AM आएगी मंडे को अनअकैडमी प्लस पे, अवधेश कुमार के नाम से सर्च कर लेना। देखिए स्पेलिंग में आप सभी को बता रहा हूँ, AVADESHKUMAR इस नाम से आप सर्च करोगे तो अनअकैडमी पे मैं आप सभी को मिल जाऊंगा और आपको फॉलो कर लेना है। वहां पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आप सभी को दिख जाएगी, सभी को फॉलो कर लेना और मंडे को हमारी क्लास होगी 10:30। तो अनअकैडमी प्लस पे जाके सभी लोग फॉलो कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अभी से जाके ये फॉलो कर लेना ताकि जैसे ही क्लास हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनसे डाउनलोड करवाएंगे। वहाँ से कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करने के लिए स्टडी फॉर ड्रीम्स कूपन कोड का यूज जरूर करें। मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जिनसे आप पढ़ने के लिए बहुत दूर दराज जाना चाहते हैं और सोचते हैं दिल्ली वगैरह जाके तैयारी करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है घर बैठ के आप अपने मनपसंद जो आपका टीचर है जितना जिसे आप चाहते हैं कि हम इससे पढ़े उनसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सभी इंडिया के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गंवाए फटाफट से सभी लोग जाएं और फटाफट से रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करके अपना कोई भी कोर्स परचेस करें। इसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो आपको कूपन कोड दिया गया है स्टडी फॉर ड्रीम्स उसका यूज करें और हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अवधेश कुमार के नाम से सेम स्पेलिंग आप डाल दीजिएगा एजुकेटर वाले ऐप में, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा जो अनअकैडमी प्लस वाला एप्लीकेशन है। वहाँ पे 10:30 हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है मंडे को, तो फटाफट से जाएं सभी लोग फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस चीज़ को जरूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।